आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि होम साइंस कॉलेज जबलपुर की ऑनलाइन फीस जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो कैसे पे करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। सबसे पहले गाइज आपको लिखना है एक्सिस पे। जैसे ही आप गूगल पे एक्सिस पे खोलेंगे आप देखेंगे इजी एक्सिस बैंक डॉट को डॉट इन करके एक वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी उसके बाद आप देख पाएंगे इसमें बहुत सारी कैटेगरी आ रही है, क्योंकि हमारी एजुकेशनल कैटेगरी है इसीलिए हम अपने लिए एजुकेशनल कैटेगरी को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जहाँ सर्च बाय नेम लिखा है यहाँ पे तो बहुत सारे नेम है, आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप जैसे ही यहाँ पे जबलपुर टाइप करेंगे यहाँ पे आपको ये दिखने लगेगा गवर्नमेंट एमएच कॉलेज ऑफ होम साइंस एंड साइंस फॉर वुमेन जबलपुर। आपको यहाँ से इस वेबसाइट पे जाना है गाइज। यहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी डालनी है। यूनिक आईडी दैट मींस जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 122123 या 120 से स्टार्ट होता है उसे आप डाल सकते हैं, और भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हुआ होगा वो भी इस पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो एक्स वाई जेड जिसका भी नाम है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे सपोज जनरल है तो हमने यहाँ से जनरल सिलेक्ट किया। यहाँ से अपना सब्जेक्ट जो भी है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉलेज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और टोटल फीस भी आप एक बार में पूरी पूरी पे कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी पे करनी है, जैसे मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2000 अपने आप आ जाएगा। अगर मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे हॉस्टल की फीस भी पे कर सकती हूँ, अदरवाइज आप इस एरिया को ब्लैंक छोड़ दीजिए। एग्जाम की फीस जब आगे पे करनी होगी तब आप कॉलेज फीस को ब्लैंक छोड़ेंगे, एग्जाम फीस को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी फीस आपको जिस भी वक्त जमा करनी है आपको केवल वहाँ पे सिलेक्शन करना है, बाकी फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। अदर फीस भी अगर आपको भरनी है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई कोड डालिए। जैसे ही आप कोड डालेंगे आगे ओके करेंगे तो वो आपसे पेमेंट के लिए क्वेरी करेगा कि आपको डेबिट कार्ड से पे करनी है कि यूपीआई से पे करनी है, बस आप अपना अकाउंट लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं इस तरह से गाइज। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे नोटिसेस आप देख सकते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट एमएच कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इससे संबंधित पूरी क्वेरी, पूरे स्टेप, पूरे चार्ट भी दिए हुए हैं। आप इसके नोटिसेस पे जाकर के सारे इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं, और आप जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे आपको उसमें बहुत इजी हो जाएगा कि कैसे फीस पे करनी है। ये देखिए दिया है स्टेप्स, आप ये स्टेप वाले पे जाएंगे, प्रवेश शुल्क जमा करने के स्टेप्स। तो आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपकी एक पीडीएफ ओपन होगी, उस पीडीएफ में आपके स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस दो तरीके से लिखे हुए हैं। आपको जो भी चार्ट इजी गोइंग समझ में आता है आप उससे उसको स्टडी करके, वैसे वैसे गाइज आप अपने मोबाइल से भी फीस पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एमपी ऑनलाइन जाकर ही फीस पेमेंट करें। और आपके एक लाइक से और आपके एक शेयर से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है गाइज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह आपका और मेरा प्यार हमेशा बना रहे। नए नए वीडियोज़ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल रहा हो तो कमेंट्स में ओके और गुड या जो भी आप अच्छा सा एक कमेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये देखिए ये चार्ट है, आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं कैसे कैसे आपको फीस पे करनी है, एक एक चीज़ इसमें दी हुई है, और ये भी एक एक्सिस बैंक का चार्ट है। ये तो आप कॉलेज की वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू।